नमस्कार दोस्तों, मैं हरसिमरन सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल में कौन कौन से फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं और ये फ़ोन अप्रैल में मचाएंगे धमाल। चलिए, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमारे फोन नए आने वाले फोन के लिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला फ़ोन है आईफोन 9 एंड 9 प्लस, जो कि 31 मार्च को लॉन्च होने वाला था, पर अब ये अप्रैल में लॉन्च होगा। इसके अप्रैल में लॉन्च होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये फ़ोन बहुत अच्छा है। इसके प्राइस एप्पल ने अभी तक नहीं लगा नहीं है। अगला फ़ोन है वन प्लस 8 एंड 8 प्रो, इसके अप्रैल में लॉन्च होगा। बताया जा रहा है कि ये 14 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च। अगला फ़ोन हमारी लिस्ट में है गूगल फिक्सर 4a, ये फ़ोन लॉन्च अप्रैल में ही होगा। ये फ़ोन इंडिया में अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। चलो चलते हैं हमारे अगले फ़ोन की ओर, जिसका नाम है नोकिया 83 एंड 53 एंड 13। इंडिया में नोकिया ने इतना पैसा तो नहीं कमाया, पर ये फ़ोन फिर भी इंडिया में लॉन्च करने वाली है नोकिया। चलो दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले फ़ोन की तरफ। अगला फ़ोन है ब्लैक मैजिक 5G। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और ये फ़ोन उनके लिए है जो गेमर्स हैं। ये एक गेमिंग फ़ोन है, ये 5G में भी है। इसका प्राइस बताया जा रहा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, पर ये बहुत अच्छा है उनके लिए, ये खुशखबरी है। तुम्हारा अगला फ़ोन है रेडमी K30 Pro। ये K30 Pro बहुत अच्छा है, चाइना में ये लॉन्च हो चुका है। ये इसका नाम पोको X2 भी हो सकता है इंडिया में। हमारा अगला फ़ोन ओप्पो फाइंड X2 एंड X2 Pro है। ये भी बहुत अच्छा और एक्सपेंसिव तो नहीं, पर ठीक ठाक होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। हमारा आपसे इस बार उम्मीद है कि 1000 व्यूज तो आप हमें जरूर देंगे।